सो गाइस आप भी जो है कुछ इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट कलर में अपने फोटो को एडिट करना चाहते होंगे, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने कुछ इस टाइप इसको पिंक कलर टोन एडिटिंग किया है, इसको रेड कलर टोन एडिटिंग किया है, एंड गाइस इसी के साथ मैंने ग्रीन टोन एडिटिंग भी किया है, ठीक है। और गाइस ये हमारा ओरिजिनल पिक्चर है जैसे कि आप देख सकते हो सिंपली। तो हमने फेस स्मूथ एंड यहाँ पर काफ़ी तगड़ कलर एडिटिंग की है। तो मैं आपको एक नए ऐप के बारे में बताऊंगा जी फ्रेंड्स, जिसमें आप फेस स्मूथ काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हो, एंड इसी के साथ आप अगर बैकग्राउंड को ब्लर करना भी चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं बिल्कुल नया आपको आपको बताने वाला हूँ, और किस टाइप आप डिफरेंट कलर भी चेंज कर सकते हो वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो करते स्टार्ट। सो गाइस जैसे कि मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर चलता हूँ, सो गाइस आपको जो ये ऐप दिखेगा यहाँ पर फेस ट्यून ऐप, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल डेटा ऑन करना है यहाँ पर, और इसके बाद आपको फेस ट्यून ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल नया ऐप है, बड़े ध्यान से समझिएगा गाइस, बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को, अगर स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो गाइस जैसे कि ये अपन ओपन हो रहा है, तो गाइस ओपन हो जाने के बाद कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऊपर गैलरी वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है सिंपली, एंड यहाँ पर मैं जैसे कि अलाउ कर लेता हूँ, एंड इसके बाद मैं अपना जैसे कि फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी अपना मॉडल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप चाहो तो कलर ग्रेड भी कर सकते हो, बाकी जैसे कि आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है जैसे कि इस वाले ऐप में, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इस पर हम फेस को स्मूथ करेंगे, ठीक है। तो हम फेस स्मूथ पर टैप करेंगे जैसे कि स्मूथ वाले पर, और यहाँ पर जैसे कि स्मूथ हो रहा है हमारा ऑटोमेटिक। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर ओपन हो चुका है यहाँ पर स्मूथ वाला ऐप, सिंपली आपको जो गाइस चाहो तो आप मैनुअल भी कर सकते हो और ऑटो भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ऑटो में आप देखिए कितना ऑसम यहाँ पर हमारा फेस स्मूथ हुआ है, ठीक है। और अगर आप मैनुअल चाहो तो आप मैनुअल भी इसको इस टाइप से रब करके यहाँ पर अपने फेस को स्मूथ कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा स्मूथ करना हो तो आपको स्मूथ पर टैप करना है सिंपली, स्मूथ पर, पहले स्मूथ था अपना तो स्मूथर पर टैप करना है फिर, ठीक है। फिर इसको भी आप चाहो तो ऑटो कर सकते हो। अब आप देखिए अपने फेस को काफ़ी ऑसम दिख रहा है, और अगर आप अपने हैंड वगैरह पे चाहिए तो आप कुछ इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आप स्मूथ भी कर सकते हो कुछ इस टाइप से, और चाहो तो आप ग्लो पर टैप कर यहाँ पर आप क्या है कि ग्लो भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए हमारे फेस पर लाइट बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर आईज़ का जो कैंसिल इसको भी हम यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, देखिए गाइस काफ़ी ऑसम। और सिंपली यहाँ से जैसे इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद जैसे कि आपको बैकग्राउंड ब्लर करना हो तो सिंपली आपको इस तरफ स्क्रॉल करते हुए आ जाना है, एंड यहाँ पर आपको जो गाइस ये वाला ऑप्शन दिखेगा सिंपली डी फोकस, तो डी फोकस पर आपको टैप करना है, ठीक है। अब जैसे कि डी फोकस पर टैप करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा ऑटोमेटिक, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑटो यहाँ आ चुका है हमारा ब्लर। तो आप चाहो तो ऑटो पर टैप करोगे तो गाइस आप देखिए कितना ऑसम यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड जो ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे कि सिंपली इतना सा रख रहा हूँ इसको, तो फिर जैसे कि गाइस हम यहाँ पर करेंगे क्या सिंपली, इसके बाद हम जैसे हमारा कलर वाला टूल है यहाँ पर एडिट पर हम टैप करेंगे सिंपली, तो आपको यहाँ पर ब्राइटनेस का सभी का ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको कलर्स का जो भी है सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। और अब जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको फेस स्मूथ करना तो मैंने सिखा दिया हूँ, ठीक है। अब आपको जैसे कि मैं कहा था कि आप डिफरेंट कलर में कैसे चेंज कर सकते हो, तो सबसे पहले तो आपको इसको सेव करना है यहाँ पर डायरेक्टली, तो सेव हो चुका है जैसे कि हमारी गैलरी में, तो हम गैलरी सो गाइस हमारा फोटो यहाँ पर गैलरी में आ चुका है सिंपली। अब इसको आपको करना क्या है कि पिक्सआर्ट में शेयर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पिक्सआर्ट में इसको शेयर कर लेता हूँ सिंपली, सो गाइस जैसे कि हमारा फोटो जब साइड ऐप में आ चुका है तो सिंपली आपको इफेक्ट पे टैप करना है, ठीक है। इफेक्ट पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पर कलर रिप्लेस वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको टैप करना है, एंड यहाँ पर आपको कलर चूज़ कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रीन टोन सेलेक्ट कर लिया हूँ, एंड अब यहाँ पर आप देखिए कितना डिफरेंट डिफरेंट कलर में हमारे जो है यहाँ पर चेंज होएगा कलर, ठीक है। तो आप देखिएगा अब यहाँ पर आप देखिए आप चाहो जैसा यहाँ पर कलर ले सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल आपको मैंने सिखा दिया हूँ कि आप किस टाइप से अपने कलर को भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ फेस स्मूथ करना। तो उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे बिल्कुल सेम सा एडिटिंग करना, सीख गए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ना भूलें। अगर आप फेस ट्यून ऐप के बारे में और जानना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार गुड बाय, टेक केयर।